नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों आज रात्रि 10:30 से आपका दूसरा जन्म होने वाले हैं जी दोस्तों। और अब आपको बता दें कि एक लड़की आपको धनवान बना देगा जी दोस्तों। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर आप अंत तक इन्हें ज़रूर देखें जी दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम जो बातें आपको बताने वाले हैं, जो बातें हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, आप उन्हें गौर से सुने और उन्हें अपने जीवनकाल में याद रखें कि दोस्तों यह बातों को अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों हम आपको दावा करते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवनकाल में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। जो भी परेशानियां छोटी मोटी चल रही है उन परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा जी दोस्तों। आपको बता दें कि आज रात्रि के 10:30 से आप शिव के कुंडली में करों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है। यूँ समझा कि दोस्तों यश में ईश्वर का आशीर्वाद आपके कुंडली पर पड़ चुका है, जिनसे दोस्तों आप शिव के जीवनकाल में विभिन्न प्रकार के चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे जे दोस्तों। यूँ कहें तो आज रात्रि 10:30 से आप शिव का दूसरा जन्म हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बुरे दौर से आपको छुटकारा मिलेगा और अच्छे जिंदगी की शुरुआत होगी। इसीलिए दोस्तों आज रात्रि 10:30 से आप सभी का दूसरा जन्म होने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों समय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ये दोस्तों। जहाँ इतने बड़े ग्रहों की स्थिति है, इतने बड़े आप सभी के लिए शुभ मौके हैं, तो दोस्तों आप इन्हें यूँ ही ना जाने दें और सभी मौके का आसानी तरीके से और सावधानी पूर्वक लाभ उठाएँ जी दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सभी वह जानकारी देंगे ताकि आप अपने आने वाले जीवन में कोई भी समस्याओं का सामना ना करें जी दोस्तों। यश में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, इनके साथ आपको कौन कौन सी बातों को भी ध्यान में रखने होंगे, किन किन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहना होंगे और आखिर आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों निवेदन बस यही है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में जो बातें, जो सटीक उपाय है आप सभी के जीवन के लिए हर एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे जी दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर रहेगा। और साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि अब आपको अपने जीवनकाल में प्रयोग करने हैं, जिससे दोस्तों अपने जीवनकाल में समस्याओं का समाधान पाएंगे। कि दोस्तों कभी कभी आप जो सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं वह है न अधिक सोचना, न किसी होड़ में पड़ना, यानी कि दोस्तों ना किसी दूसरे के बीच में पड़ना, न आश्चर्य करना, न कोई कल्पना करना और न ही चिंता करना, केवल ईश्वर का स्मरण और उन पर विश्वास रखना कि दोस्तों सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर कृपा और आपका सुदृढ़ विश्वास ही सब पूर्ण करता है। अविश्वास सब समस्याओं का मूल कारण है, इसीलिए दोस्तों आप अपने जीवनकाल में हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके सभी कार्यों में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और दोस्तों आपको इन बातों के ध्यान अपने आने वाले समय में रखने हैं, इनसे दोस्तों आप अपने जीवनकाल में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान पाएंगे जी दोस्तों। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर आप यह बातों को समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि अब आपके जीवनकाल में आपको दूसरा जन्म मिलने वाले हैं और यश में आपको जीवनकाल में क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों यश में कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहे, ये जो समय है आपके लिए ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अगर वाहन लेने के संबंधी कोई भी योजना बना रहे हैं तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अत्युत्तम समय होगा। इसको उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उठ सकते हैं। अनुभवी लोगों के संपर्क में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें अथवा एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें, यह भी आपके लिए बेहतर होंगे। और इसको उपरांत दोस्तों कोई कोटी संबंधी मामला उलझ सकता है। आपको बता दें कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होंगी, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि हर किसी काम में धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा।
सभी बात पर ध्यान देने के लिए आप अकेले ही रहेंगे। किसी और के द्वारा आपको मदद भी मिल पाना यशमी मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रहे, इसलिए गलतियां करने से बचे हैं, ये आपके लिए यशमी बेहतर होंगी। दोस्तों यशमी आपको बता दें कि काम को आप धीरे धीरे ही बढ़ाएं और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय लेना यशमी आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो यशमी आप इन्हें टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगी। और दोस्तों इसके उपरांत यशमी आपको बता दें कि आप अपनी चतुराई द्वारा किसी समस्या का समाधान पाने में भी सक्षम रहेंगे। जो दोस्तों काम पिछले काफी समय से रुके हुए या फिर अटके हुए थे, यशमी आप अल्प प्रयास से ही पूरे करने की संभावना कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार द्वारा शुभ समाचार मिलने से आपको इसमें खुशी भी मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और फिर करियर के प्रति फोकस रहें। ये जो समय है आपके लिए फिजूल खर्ची में कटौती रखें, सोशल मीडिया तथा व्यर्थ की गतिविधियों में समय जो है नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिस्थिति आपके पक्ष में होने के बावजूद भी बेवजह आपको उदासीनता का सामना भी इसमें करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करनी होगी आपको। और दोस्तों यशमय अधिकतर नकारात्मक विचार आपको तकलीफ भी दे सकते हैं, जिसका असर आपके काम पर भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों यशमय काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को इसमें आराम करने के लिए भी जरूर समय निकालें। दोस्तों आपको बता दें कि इस राशि के लोग संतुलित प्रवृत्ति के होते हैं और यशमय यही गुण आपकी तरक्की में जो है सहायक होंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से भी उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी का महसूस भी करेंगे। और दोस्तों यशमी कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी भी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक रहेगी। दोस्तों यशमी आपको बता दें कि कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना आपके लिए जरूरी होगा। गुस्से व फिर जल्दबाजी के बजाय आप यशमी नरमी से काम लें, नहीं तो दोस्तों अपने काम को आप यशमी बिगाड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपको बता दें कि आपके लिए कैसे समय होंगे। दोस्तों किसी भी विषय में अपनी माता के साथ बात बात करने से आप परहेज करें, क्योंकि दोस्तों जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है उसी बारे में हल तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों भावनों तक तकलीफ का आपको सामना जरूर करना पड़ सकता है। भूतकाल से संबंधित बातें फिर से निकलने की वजह से रिश्ते में कटुता यशमी आने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आय का कोई महत्वपूर्ण स्रोत भी यशमी बनेगा। नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का उचित समय है। दोस्तों किसी धार्मिक स्थल पर भी आपका समय यशमी व्यतीत होने वाले हैं। दोस्तों बुजुर्गों का साथ आशीर्वाद व फिर स्नेह आपको प्राप्त होगा। दोस्तों कुल मिलाकर जो दिन है, जो समय होंगे आपके लिए अत्युत्तम समय रहने वाले हैं। परंतु दोस्तों यशमी कीमत को पहचाने, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। कोई मित्र जो है स्वार्थ की भावना से आपके ऊपर संबंध खराब कर सकता है, इसलिए दोस्तों यशमी आपको क्या करना है, किसी पर भी विश्वास इसमें नहीं करना है। शायद दोस्तों यशमी आपको बता दें कि बेकार की बातों में ध्यान न देते हुए अपने कामों को करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके आसपास की परिस्थिति उतनी सकारात्मक नहीं है जितना आपके ऊपर दिख रहा है। दोस्तों यशमी परिवार संबंधी झगड़ों को सुलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो है नई समस्या भी यशमी खड़ी हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यशमी नए व्यावसायिक अनुबंध आपको विकसित होंगे। और दोस्तों किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए जो समय होगा, जो दिन होगा आपके लिए उत्तम दिन होगा, उत्तम समय होगा। परंतु दोस्तों जो है वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज यशमी ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के उच्च अधिकारियों के साथ भी संबंध जो है यशमी मधुर रहने वाले हैं, लाभदायक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ हल्की फुल्की परेशानियाँ भी आने वाली है, लेकिन दोस्तों समय रहते समाधान भी अवश्य मिल जाएगा। सहयोगियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में भी सहकर्मी ही आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं, तो दोस्तों इनसे यशमी आपको सावधान रहने की जरूरत भी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी कामकाज को लेकर पूरी गंभीरता व फिर संजीदगी रखें। लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों कोई भी व्यावसायिक निवेश करने से पहले अच्छी तरह जाँच पड़ताल अवश्य करें। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जिनसे समस्या का समाधान भी यशमय मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपको बता दें कि दूरदराज क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण संपर्क भी स्थापित होंगे तथा अच्छे ऑर्डर भी यशमय प्राप्त होने की संभावना बन रही है।
दोस्तों यश में आपको बता दें कि मार्केटिंग तथा मीडिया काम कर रहे लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल होगा। नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का माहौल भी यश में शांतिपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नई दिक्कतें यश में आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से आपको सावधानी रखना भी आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। दोस्तों आपको बता दें इसके उपरांत आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, सर्दी का असर भी आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दोस्तों ये जो समय है आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उचित प्रयास करें, उचित आहार लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं।